हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी को एक न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी मैं उड़ीसा का भुवनेश्वर मतलब कैपिटल जो है उस वहाँ पर, और आपको तो पता ही होगा अक्सर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में लड़ाई होते रहता है कि रसगुल्ला किसका है। ऐसे ही दोस्तों उड़ीसा में जो फेमस रसगुल्ला है यहाँ पर होता है जो कि पहाड़ रसगुल्ला। तो दोस्तों फिलहाल में पहाड़ रसगुल्ला जो होता है ना, जो उड़ीसा का फेमस है पहाड़ रसगुल्ला, ये इस जगह का नाम भी पहाड़ स्क्वायर है, पहाड़ स्क्वायर। दोस्तों मैं रात को तो निकला था पहाड़ का रसगुल्ला खाने के लिए, फेमस रसगुल्ला। कितना अच्छा लगता है उड़ीसा का मतलब हमारा उड़ीसा का दोस्तों। लेकिन मेरे पीछे है उत्कल आइकोनिक वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग है मेरे पीछे। यहाँ पर तो भुवनेश्वर और कटक का जो बाईपास मतलब जो रोड है, हाईवे है, भुवनेश्वर से कटक, मेरे पीछे वाला है कटक और आगे वाला है भुवनेश्वर। दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं जाके पहाड़ का जो फेमस रसगुल्ला खाने वाला, लेकिन दोस्तों मुझे पता चला कि अभी रात तो 7:30 हुआ है अभी ना, 7:30 हो गया है, क्योंकि भुवनेश्वर में नाइट कर्फ्यू है, 9 बजे कर्फ्यू लगेगा, रात का 9 बजे कर्फ्यू लगेगा। इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से करीब 400 से 500 मीटर जाना पड़ेगा पहाड़ का जो फेमस रसगुल्ला खाने के लिए। आज मैंने सोचा क्यों इतना देर भाई चल के जाऊँगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है और यहाँ पर तो ऑटो मिलता है, लेकिन रात को ऑटो में जाना मुझे सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। सोचता हूँ कुछ खा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भूख लग रही है ज़ोर से, देखता हूँ कुछ खा लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये जो उत्कल आइकोनिक मेरे पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम नहीं हो रहा है, शॉपिंग मॉल है, उड़ीसा का देख सकते हैं बड़ा सा शॉपिंग मॉल उत्कल का आइकोनिक। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि पहाड़ का रसगुल्ला खाना है, लेकिन दोस्तों मैंने चाल के आ गया हूँ, मैंने सोचा था कि नहीं जाऊँगा, अभी दोस्तों मुझे लगा कि नहीं फिलहाल चाल लेते हैं, क्योंकि आए हैं तो देखने के लिए कैसे देखते हैं पहाड़ का रसगुल्ला कितना टेस्टी होता है, तो चलते हैं चेक कर लेते हैं। वहाँ पर है दोस्तों पहाड़ का सारे रसगुल्ला सेंटर, देखो कितना बड़ा सा लगा हुआ है स्टॉल, जो रसगुल्ला का स्टॉल, मैं आपको पास जा कर लेके दिखाता हूँ। लाइट है। दोस्तों मुझे तो फिलहाल दिल बोल रहा था कि पहाड़ रसगुल्ला खाने के लिए, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, रसगुल्ला खा के तो मेरा भूख नहीं मिटेगा, मैं पहले होटल खोज लेता हूँ तो आपको तो दिखाता हूँ अभी। ये तो है पहाड़ का रसगुल्ला, वहाँ पर है उत्कल आइकोनिक अभी जो दिखाया था आपको, वहाँ से मैं क्योंकि उसका पास ही था एक कुछ दुकान स्टॉल, और वहाँ पर भी है दोस्तों, और ये जगह ख़त्म होने के बाद भी है पहाड़ का रसगुल्ला सेंटर। मैं दोस्तों पहले तो दिखाता हूँ, देखता हूँ कि होटल कहाँ पर है खाने के लिए। दोस्तों फिलहाल मैं जाता हूँ अभी मेरा रूम को, रूम को क्यों जाऊँगा, अभी खाना खा के रूम को जाऊँगा। दोस्तों अभी जाता हूँ खाने खोजने के लिए भाई। यार दोस्तों यहाँ पर तो मिठाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब रसगुल्ला है और जो छेना का पोड़ है, ये सब कुछ मिठाई के आइटम थे और कुछ नहीं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ फास्ट फूड खा लेना है, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। देखता हूँ हमारा पूरी में कितना रेट है और यहाँ पर कितना रेट है फास्ट फूड। फिलहाल दोस्तों जो खाना था मैंने खा लिया, मतलब जो मटर सूप वाला सब कुछ खा लिया, तो फिलहाल चलता हूँ और कुछ खा लेता हूँ घर को जा, मतलब रूम को मेरा चलता हूँ। दोस्तों क्या बताऊँ यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर तो खाने के लिए सब मिल रहा है, मतलब टिफ़िन सेंटर मिल रहा है जो 20 रुपये का 10 रुपये का से टिफ़िन सेंटर मिल रहा है, लेकिन होटल नहीं मिल रहा है, मतलब मील खाने के लिए, मतलब भोजन आयोजन नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं क्या किया, दोस्तों मैंने कुछ टिफ़िन किया और कुछ टिफ़िन लेके भी आ रहा हूँ, मतलब मेरे पॉकेट में कुछ टिफ़िन है और कुछ टिफ़िन भी खाया हूँ मैं। अभी मेरे मेरा रूम को आ गया हूँ, तो फिर कुछ खाएंगे भाई। आज का दिन मुझे यहाँ पर भी सोना पड़ेगा, यहाँ पर
सुना पड़ेगा। जैकेट भी मतलब कोई वाला ब्लैंकेट भी नहीं है, इसको यूज करके मैं हंस रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं है क्योंकि बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है। हाँ दोस्तों, लाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस भी आ रहा था, अभी दिखाया मैं आपको, इसलिए मैं इसको लेकर आया गया था। रात का खाना खा के कुछ आया था टिफिन, क्योंकि होटल तो पास में नहीं है, ये खा के सो लेता हूँ। और क्या नहीं मिलेगा तो बोलते ना, अगर अच्छी बात अच्छी नहीं है तो कोई भी चलेगा। Thank you.